रोजगार का वैकेंसी खाली है, लेकिन यह सरकार भर नहीं पा रही है। पूरा बिहार का काम काज भी ठप है। बेरोजगारी दर 18% क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। उस नौजवानों को केस मुकदमा से बरी करने की हमारी मांग है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के ठीक पहले भाकपा माले के विधायकों का जबरदस्त प्रदर्शन है। 19 लाख रोजगार की बात हो रही है, क्या मांग को लेकर के प्रदर्शन है? आज रोजगार को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सरकार ने कहा था कि 19 लाख हम रोजगार देंगे युवाओं को। आज पूरे बिहार के युवा पटना में इकट्ठा है और वो मांग कर रहे हैं कि युवा बिहार जो है मांग कर रहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए। यहाँ सारे ऑफिस ठप हैं, ब्लॉक में कर्मचारी नहीं हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट नहीं है, चौतरफा बेरोजगारी का आलम है। पूरा शिक्षा जगत में कहीं भी टीचर नहीं है और इस लिहाज से पूरा बिहार का कामकाज भी ठप है। पूरे नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी से तबाह हैं। एक पीढ़ी बूढ़ी हो गई है, रोजगार मांगते मांगते उनको रोजगार की जरूरत है। इन तमाम सवालों पर बिहार के युवा आज लड़ रहे हैं, पटना में भी आए हैं। हम लोग उनके समर्थन में पूरे बिहार विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे और यहाँ भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रुप डी के आंदोलनकारियों पर से मुकदमे भी पिछले समय रेलवे में बहाली के लिए परीक्षा हुए, जिसमें डबल परीक्षा की मांग की गई थी, जिसके खिलाफ छात्रों ने, नौजवानों ने, ग्रुप डी के नौजवानों ने हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था, हटाने की मांग की थी, जिस पर लाठीचार्ज हुए थे और केस मुकदमा हुआ था। उस नौजवानों को केस मुकदमा से बरी करने की हमारी मांग है। दूसरी सवाल है कि यह सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, वो अभी तक सामने नहीं आया है। इसको लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नौजवान, भाकपा माले से जुड़े हुए नौजवान 20,000 की संख्या में रेडियो स्टेशन के सामने मुक्त आकाश में जमा होंगे और रोजगार के चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आंदोलन की, क्योंकि बड़ी भारी पैमाने पर यहाँ पे रोजगार का वैकेंसी खाली है, लेकिन यह सरकार भर नहीं पा रही है। इन सवालों पर बाहर भी और अंदर में भी प्रदर्शन करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन है और 19 लाख रोजगार की जो बात की गई थी उसको लेकर भी भाकपा माले के विधायकों का प्रदर्शन है। क्या मांग है आप लोगों की? रेलवे का निजीकरण नहीं है, निजीकरण तो सारे सेक्टर में सरकार कर रही है और निजीकरण न सिर्फ रोजगार के अवसरों को खत्म कर रही है बल्कि आरक्षण की संभावनाओं को भी कुचल रही है। बिहार में रोजगार की जो स्थिति है, जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बिहार के अंदर है वो काफ़ी कम है और बिहार में तमाम बहालियां लंबित पड़ी हुई है। बहालियों में अनियमितता है, अराजकता है, वहां अपारदर्शिता है, पेपर लीक है। इन सारे मामलों को लेकर के आज हम लोग 9 तारीख को रोजगार अधिकार सम्मेलन करने जा रहे हैं और सदन के अंदर भी आवाज़ को उठाएंगे। संदीप सौरभ हमारे साथ थे, विधायक हैं और इसको लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के, छात्रों के हित में जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भाकपा माले के विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्पेशल सत्र बुलाना होगा। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।